दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से इंपोर्टल एफ एल टेक फंटेसी यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम दिलसाद और आज किस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबू धाबी T10 के मैच नंबर 18 के बारे में। और ये फिलहाल जो मैच है डिगान ग्लेडियर्स वर्सेस चेन्नई ब्रावर्स के बीच में खेला जाएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों इस मैच में अपनी ग्रैंड लीग टीम स्मॉल लीग टीम हमें किस प्रकार से बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे निकोलस पोरन, कार्लोस ब्रैथवेट एंड जो कि टॉम कोलर, कैड मोर, जोश लिटिल को और कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने वाले अपने टीम में। तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना दोस्तों कितना ठीक रहेगा इस मैच में, पिच रिपोर्ट, स्टेट्स एनालिसिस और दोस्तों इस वीडियोस में मैं आपको क्लियर करूंगा। उसके बाद जो मेरी दो टीम रहेंगी ग्रैंड लीग की उन सारी चीजों को देखते हुए वो मैं आपको इस वीडियोज में दिखाने वाला हूं। और आपका प्लेयर का सिलेक्शन किस प्रकार से होना चाहिए इस मैच में और ग्रैंड लीग टीम में, तो वो मैं भी आपको बताने वाला हूं। दोस्तों आप सभी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और जो कि बिल का आइकॉन होता है वो प्रेस कर लेना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल फ्री में होता है, कोई भी आपको इसके पैसे नहीं देने पड़ते हैं। गाइस हर मैच का प्रेडिक्शन, वीडियो, पिच रिपोर्ट, हेडवर्ड रिकॉर्ड्स, वेन्यू रिकॉर्ड्स यानी कि मैच की पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन के द्वारा। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पे क्लिक करना है आपको दोस्तों, ठीक है, जो सब्सक्राइब का बटन मिलेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको यहाँ पे फिर से एक बार क्लिक करना पड़ेगा एंड जो कि नोटिफिकेशन रहेगा दोस्तों इसको आपको ऑल पे कर लेना, ठीक है, ये ऑल पे सबसे फर्स्ट पे कर लेना है ऐसे, अदरवाइज आप जो कि नोटिफिकेशन वीडियोस का मिस कर जाएंगे एंड जो कि वीडियोस नहीं देख पाएंगे। दोस्तों आप वीडियोस को आपको ध्यान से देख लेना है, स्किप नहीं करना, अदरवाइज आप कैप्टन वाइज कैप्टन या कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मिस कर जाएंगे। वीडियोस का लाइक हम सिर्फ और सिर्फ रखते हैं दोस्तों 20। आप लोग हर वीडियोस में उम्मीद से ज्यादा लाइक कर देते हैं, तो सपोर्ट करने के लिए दिल से शुक्रिया एंड थैंक्स बोलना चाहता हूं आप सभी लोगों को दोस्तों। तो फिलहाल ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखें और ऐसे ही प्रेडिक्शन वीडियोस आप लोगों को हमेशा मिलती रहेगी। अब बात करते हैं यहां पे मैच स्टार्ट की। और दोस्तों ये जो वीडियोस है आप लोगों के डिमांड पे, तो ये जो वीडियोस डिमांडेड वीडियोस है तो आप लोग देख लें एक बार, ठीक है। एंड अगर आपको किसी भी मैच के प्रेडिक्शन वीडियोस, स्टेट्स एनालिसिस, प्लेयर्स का चाहिए, पिच रिपोर्ट के बारे में, तो दोस्तों आप कॉमेंट्स कर दिया करें 24 आवर्स के पहले, ठीक है, तो मैं कवर कर लूंगा उस मैच को। अब बात करते हैं मैच स्टार्ट जो कि होगा 29 नवंबर दोस्तों, और टाइम की अगर हम बात करते हैं तो आज के ही डेट में 7:45 पे ये मैच खेला जाएगा, ठीक है, और शेख जायद स्टेडियम में दोस्तों, जहां पे आपने देखा रिसेंटली सारे के सारे मैच हो रहे हैं। एंड पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं शेख जायद स्टेडियम में ही ये मैच होने वाला है। एंड वहां पर अगर हम कुछ मैच के बारे में बात करते हैं, परफॉर्मेंस के बारे में, तो दोस्तों आपने देखा स्टार्टिंग के कुछ ऐसे मैच थे जिनमें इसी स्टेडियम में, शेख जायद स्टेडियम में, जो कि फिलहाल मैच फर्स्ट इनिंग बैटिंग करने वाली टीम विन करती है। एंड अभी लास्ट में कुछ ऐसा हो रहा है कि यार लास्ट के जो हमने 2-3 मैचेस देखे हैं उनमें क्या है कि जो चेस कर रही है टीम वो विन कर रही है। एंड अगर आप बात करते हैं पिच कैसी रहेगी, तो फिलहाल पूरी तरीके से बैटिंग पिच होने वाली है, पेस बॉलर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। फर्स्ट इनिंग स्कोर की अगर बात करते हैं जो कि टोटल एवरेज यहाँ पे बन सकता है दोस्तों 120 का, ठीक है, क्योंकि ये बैटिंग पिच है और बैट्समैन काफी अच्छा यहाँ पे करने वाले हैं। एंड रिसेंट टीम की अगर बात करते हैं दोनों टीम के परफॉर्मेंस की, ठीक है, रिसेंट बहुत टीम परफॉर्मेंस की, तो फिलहाल यहाँ पे डीजी टीम है, ठीक है, डिकॉन ग्लेडियर्स जो है 4 मैचेस खेले जिसमें 3 विन है एंड 1 ही लॉस है दोस्तों। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं चेन्नई ब्रावर्स की, तो फिलहाल यहाँ पे 4 मैचेस उन्होंने खेले हैं जिसमें 1 विन है, 3 लॉस है, मतलब उल्टा दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर वाली टीम जो डीजी है वो 3 विन कर रही है, तो यहाँ पे 3 लॉस कर रही है, वो 1 लॉस कर रही है, तो यहाँ पे ये 1 विन कर रही है, तो मतलब बहुत बड़े अंतर से ये जो मैच होने वाला है बिल्कुल जैक पॉट होगा, मतलब आप वन साइडेड यहाँ पे विनिंग कर सकते हैं। वो कैसे है तो फिलहाल अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डीजी प्रोबल प्लेइंग 11 के बारे में जो कि प्लस होने वाले हैं, जिसन रॉय एंड टॉम कलर कैडमोर, ये दोनों के दोनों ओपन करने वाले दोस्तों। एंड अगर इनके परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं तो जिसन रॉय देखिए पहले मैच में तो प्लेइंग में शामिल नहीं हुए एंड दूसरे मैच में इन्होंने 18 रन बनाए और इसके बाद 0 और 4। और मैं आपको बता दूँ कुछ टिप्स T10 मैचेस की, जो हिटर बैट्समैन रहेंगे T20 मैचेस में जो कि बहुत कम स्कोर बनाते हैं और मतलब बहुत कम गेंदों में ज़्यादा रन मार जाते हैं, जैसे कि फिन एलन जो है दोस्तों एंड सूर्य कुमार यादव हैं, ये दोनों को दोनों अगर इस T10 मैच में आ जाए तो भाई अच्छा खासा स्कोर बना सकते हैं, मतलब दोस्तों समझ सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है T10 मैचेस में आप ज़्यादातर बैट्समैन को पिक करें जो कि फ्लॉप बैट्समैन है, मतलब कि हिट करते हैं दोस्तों, उनको आप पिक कर सकते हैं। अगर जो आप T20 मैचेस में देखते थे कि वो जो बड़ी पारी खेलते थे और जैसे कि केन विलियमसन हो गए एंड जो कि कुछ मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, डेविड मिलर हो गए, तो इस प्रकार के प्लेयर्स जो कि T10 मैचेस में कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ग्रैंड लीग स्मॉल लीग के लिए। तो फिलहाल आपको क्या करना, जो हिट करते हैं, देखिए जिसन रॉय भी वैसा ही करते हैं, मतलब कि लंबी पारी खेलते हैं और कुछ अच्छा परफॉर्मेंस इनका T20 मैचेस में भी नहीं रहता और यहाँ पे भी नहीं दोस्तों। तो एक टीम में आप इनको ग्रैंड लीग में लेके जाएं, दूसरी टीम अगर आप बनाते हैं तो ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। टॉम कलर क्रोमेंट की अगर बात करें दोस्तों, इन्होंने देखिए 100 में बढ़िया परफॉर्मेंस किया और ये हमेशा करके लोकल मैचेस खेलते रहते हैं,
उनमें भी इनका परफॉर्मेंस बढ़िया रहता है दोस्तों। एंड अगर इनकी परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए 15-32-1 और ये लास्ट में तो नॉट आउट थे 82 रन, मतलब आप समझ सकते हैं किस प्रकार से पारी खेले। तो इनको तो आप बिना सोचे समझे ही अपने टीम में रख सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें दोस्तों, कैप्टन बना सकते हैं बट इनको वाइस कैप्टन आप बनाए। कैप्टन जो कि आपको बनाना है निकोलस पूरन को, और ये बैटिंग पिच है पूरे तरीके से और बढ़िया परफॉर्मेंस ये दोनों आपको देने वाले। रिस्क रहेंगे, देखिए रिस्की रहेंगे क्योंकि सामने जो टीम है मैं आपको बता दूं कि वो थोड़ा सा भले ही मैच को लॉस करके आ रही है, बट यार वहां पे जो बॉलर्स हैं थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर्स हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की प्लेयर्स हो सकते हैं ये। बाकी कोई ना, इनको आपको रिस्क लेना है क्योंकि लोगों का कैप्टन वैसे आपने क्या होगा निकोलस कैप्टन और वाइस कैप्टन जो कि यहाँ पे कार्लोस पेराथवेड को लोग बना रहे हैं, बट आपको ये कॉम्बिनेशन करना है। निकोलस पूरन को आप देखें 77 रन सॉरी पहले मैच में, एंड उसके बाद यहाँ पे 80 रन, एंड फिर 7 रन, फिर 34 रन। दोस्तों अभी यहाँ पे थोड़ा सा भरोसा लोगों का टूटा है, तो आपको क्या करना है, ये भरोसे का फायदा उठाना है। कैप्टन आप निकोलस पूरन को करें, वाइस कैप्टन टॉम कैलर कोड मोर को एक टीम में कर दीजिए। दोनों हिटर हैं, बैटिंग पिच है, बढ़िया सपोर्टर पिच है और अच्छा खासा ये परफॉर्मेंस कर सकते हैं दोस्तों। एंड रसल की अगर बात करते हैं टीम में रखना है या नहीं रखना है, तो इनका परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि बैटिंग ओवर बहुत डाउन है इनका, स्पेल के ओवर भी बहुत कम कराते हैं। पहले मैच में देखिए प्लेइंग में शामिल नहीं, उसके बाद 3 रन है, फिर 0 रन प्लस 0 विकेट, फिर 10 रन प्लस 1 विकेट। एंड दोस्तों बैटिंग इनको बहुत मुश्किल से मिलती है, एक ओवर करा देते हैं अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेल के ओवर इनको मिले थे, यहाँ पे 1 विकेट भी मिल गई थी। ज्यादा टीम के साथ जाते हैं तो आप अपने टीम में ट्राई कर सकते हैं, बाकी मेरे हिसाब से तो ड्रॉप ही कर सकते हैं क्योंकि नंबर के यहाँ तक नहीं आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जो कि आपको बता दूँ कि जो ये टीम है, ठीक है डीजी टीम, अगर ये सेकेंड इनिंग चेस करती है तो मतलब समझ लीजिए कि फिर तो मुश्किल है एंडरसन का नंबर आना, क्योंकि सामने टीम है सीबी सारे के सारे मैच हार करके आ रही है, 4 में 3 लॉस 1 विन है, तो मतलब कुछ अच्छा स्कोर यहाँ पे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और क्या होगा दोस्तों, डीजी टीम के जो ओपनर होंगे ये अच्छा परफॉर्मेंस करके विनिंग दिला देंगे आपको, समझ रहे हैं दोस्तों। और उसके बाद क्या करना है, एंडरसन को आप ड्रॉप कर सकते हैं, ज्यादा टीम के साथ है तभी रखें। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑर्डन स्मिथ की, तो फिलहाल इनको तो अपने टीम में आप रख लीजिए क्योंकि रिसेंटली अगर हम बात करते थे कि बैटिंग इनको नहीं मिली है, एंड उसके साथ साथ ओवर भी सेल के नहीं मिले थे लास्ट वाले मैचेस में, ये थोड़ा सा ट्रम्प कार्ड आपको बता सकता हूँ कि मतलब लास्ट ओवर में नहीं मिले तो लोग सोच रहे होंगे कि यार इस मैच में भी नहीं मिलेंगे, बट इस मैच में चांसेस रहेंगे जहाँ तक। बट एक चीज़ ये भी क्लियर करता हूँ दोस्तों, अगर सामने पहले बैटिंग कर लेती है ये टीम डीजी टीम, उसके बाद सीबी टीम चेस करती है और फिलहाल यहाँ पे ये बॉल स्पिल कोर कराने हो, तभी यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं ऑर्डन स्मिथ के, अदरवाइज मुश्किल है और स्पिल कोर कराने। पहले हम देखिए 33 रन प्लस कोई विकेट नहीं यहाँ पे, फिर 1 विकेट है, फिर 38 रन प्लस 1 विकेट, फिर यहाँ पे दोस्तों ना ही बैटिंग ना ही बॉलिंग लास्ट वाले मैचेस में। तो अगर हम बात करते हैं टीम में रखने की, तो आप ट्राई करिए टीम में रख लीजिए, एक टीम में ऑर्डन स्मिथ को रख लीजिए, एक में एंडरसन को, दो टीम आप बनाइए, जो मैं दो टीम प्रोवाइड करने वाला हूँ, ऑर्डन स्मिथ एंडरसन दोनों को एक एक टीम में आप रख सकते हैं। सुरेश रैना की बात करें दोस्तों, लास्ट में आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस इनका ठीक ठाक लास्ट वाले मैच में था 28, बट यार बहुत मतलब कह सकते हैं कि वो कह नहीं रहा कि जो लंबा पारी खेलता है T20 मैचेस में, तो यहाँ पे हिटर बैट्समैन की जरूरत होती है 10 ओवर में, क्योंकि कम गेंदें होती हैं, कम गेंदों में ज़्यादा रन मारने होते हैं। तो यहाँ पे सुरेश रैना का भाई जहाँ तक मुझे परफॉर्मेंस ठीक नहीं लगा, चलिए फिर भी एक टीम में आप रख सकते हैं जब आप जिसन राय को ड्रॉप करें, ठीक है। बाकी अभी के लिए फिलहाल हम ड्रॉप करेंगे इनको। डेविड वॉयस की हम बात करते हैं दोस्तों, डेविड वॉयस की देखिए स्पिल को ओवर भी कराने हैं, बैटिंग में कभी कभी मिल जाती है, बट टीम में रखने की अगर बात करें तो देखिए 2 ओवर स्पिल कराएंगे, पेस बॉलर्स हैं, पेस के लिए बढ़िया पिच है, तो आप इनको ट्राई कर लीजिए अपनी टीम में। इस समय देखिए परफॉर्मेंस कुछ ठीक नहीं है एंड आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। टॉम हैम देखिए अभी पहले 2 मैचेस में 6 विकेट, उसके बाद लास्ट के 2 मैचेस बिल्कुल फ्लॉप हैं। टीम में रखने की बात करें, टीम में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। जॉस लिटिल की हम बात करें दोस्तों, सभी मैचेस में विकेट है, पहले में 1, फिर 1, फिर 2 विकेट, तो जॉस लिटिल को भी आप अपने टीम में रखिए और अच्छे खासे बॉलर्स हैं जो कि आयरलैंड के, तो फिलहाल अपने टीम में रख सकते हैं। जहीर खान की अगर हम बात करते हैं टीम में रखने की दोस्तों, तो फिलहाल पहले में 2 विकेट हैं, उसके बाद कोई विकेट नहीं मिली और यहाँ पे दूसरे मैच में प्लेइंग में शामिल नहीं हुए थे। और अगर टीम में रखने की बात करें दोस्तों, देखिए एक मैच में इस मैच में अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादा टीम के साथ जाते हैं तभी आप ट्राई करें, अदरवाइज आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। दो टीम में तो फिर बिल्कुल मैं ड्रॉप करने वाला हूँ, उससे अधिक टीम में जाऊँगा तो मैं टीम में ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्पेल को भले ही मिल रहे हैं, अच्छे खासे बॉलर्स हैं ऐसा नहीं है, बट परफॉर्मेंस ठीक नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब बैटिंग पिच है तो खास करके ज़्यादा बॉलर्स के साथ हमें जाना नहीं, सिर्फ ओनली 3 बॉलर्स के साथ जाना है, ओके। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों चेन्नई ब्रावर्स के पावर प्लेइंग के बारे में, रोसिंगटन डेविड मिलन ये ओपन करने वाले हैं। अगर उनके परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो रोसिंगटन के परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं ओपन भले ही कर रहे हैं, विकेट के उससे आपको मिलेंगे और परफॉर्मेंस तो ना ठीक है नहीं दोस्तों। तो क्या करना है अभी, देखिए अब जोस लिटिल को हमने रखा है एंड उसके बाद यहाँ पे टॉम हेम को रख लेंगे, डेविड वॉयस रहेंगे हमारे पास, ऑर्डन स्मिथ या तो एंडरसन दो में कोई एक रहेगा, तो आप समझ सकते हैं जो बॉलर्स रहेंगे इंपॉर्टेंट रहेंगे और यहाँ पे रोसिंगटन के लिए बढ़िया अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा, तो यहाँ पे इनको विकेट मिल सकती है। रोसिंगटन का परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है, ज्यादा टीम के साथ जाएंगे तभी आप ड्रॉप ट्राई करें, दो टीम में जाते हैं तो बिल्कुल भी आप इनको ट्राई मत करें, ड्रॉप कर सकते हैं। डेविड मिलन की बात करते हैं टीम में रखने की, तो देखिए परफॉर्मेंस ठीक ही कह सकते हैं बट यार उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं है जिस हिसाब से T10 मैचेस में होना चाहिए कि 10 गेंदों में
15 गेंद खेल लेता है कोई प्लेयर्स, तो कम से कम यहाँ पे बता रहा हूँ 30 से 40 रन होने चाहिए, 40 रन तो कंफर्म होने चाहिए 15 गेंदों में, बट यहाँ पे उनका एक्सेप्ट परफॉर्मेंस नहीं है, फिर भी आप इनको टीम में रख सकते हैं। ठीक है, कार्लेस बेथरूड की अगर बात करते हैं तो स्पेल के ओवर भी कराने इनको, एंड उसके बाद यहाँ पे बैटिंग भी ठीक ठाक नंबर पर मिल जाती है। देखिए पहले मैचेस में 22 रन प्लस 0 विकेट, 44 रन फिर यहाँ पे 0 विकेट, 1 रन प्लस 0 विकेट, 27 रन प्लस 0, मतलब विकेट नहीं मिले बट बैटिंग यार मिल जाती है, चांसेस रहेंगे तो इनको भी आप अपनी टीम में रख सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे जेम्स फिलर आपको मिलेंगे जो कि पहले मैच में 6 रन प्लस 3 विकेट, फिर 12 रन प्लस 0 विकेट, 0 विकेट, 36 रन प्लस 0 विकेट, इनको भी बैटिंग मिल जाती है दोस्तों, और बैटिंग मिलेगी। देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, कार्लोस बेथरूड, जेम्स फिलर, इनको तो आप अपनी टीम में रखेंगे, एंड उसके साथ साथ सिकंदर रज्जो को भी आपको इस मैच में ट्राई करना है दोस्तों। ठीक है, ये तीन प्लेयर जो कि रहेंगे इनको बैटिंग जरूर मिलेगी और अपने टीम में इनको जरूर, क्योंकि बैटिंग लाइनअप जो है इस टीम का ऊपर का कमजोर। देखिए बेथरूड, देखिए डेविड मिलर, रॉसिंगटन का कोई भरोसा नहीं करा जा सकता, लंबी पारी अभी तक इन्होंने दी नहीं है, अच्छा स्कोर दिया नहीं है, तो उस हिसाब से कन्फर्म ब्रेथवेट और फिलर सिकंदर रज्जो तक बैटिंग जरूर आएगी। रोस वैडले की बात करते हैं दोस्तों, फिलहाल अच्छे बैट्समैन है बट यार बैटिंग बहुत कम इनको मिलती है, 2 रन 21 रन 3 रन जो कि इनका रिसेंट परफॉर्मेंस है, बैटिंग मिल नहीं रही है, देश में बैटिंग मिलती है बट बाकी प्लस बढ़िया है दोस्तों। ठीक है, एंड उसके साथ अगर हम बात करते हैं अरविंद की, तो फिलहाल ये विकेट डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, इनको भी देश में बैटिंग दी जाती है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो देखिए ये भी अच्छे खासे बैट्समैन है और लोकल टी10 मैचेस खेलते हैं ये, और अगर हम बात करते हैं इस मैच में टीम में रखने की तो ड्रॉप कर सकते हैं, बैटिंग बहुत नीचे है दोस्तों, तो क्या ही मतलब टीम में रखने का। और यहाँ पे परफॉर्मेंस आप यहाँ देख सकते हैं 18-8, फिर उसके बाद यहाँ पे बैटिंग नहीं मिली, उसके बाद 13 रन है दोस्तों, तो आप इनको ड्रॉप कर दीजिए। ओली स्टोन की अगर बात करते हैं, देखिए मैंने क्या कहा था दोस्तों कि यहाँ पे थोड़ा सा बॉलर्स ध्यान देने होंगे आपको, 2 विकेट यहाँ पे, 0 विकेट 2 विकेट, ये मतलब कि पहले मैच में खेले नहीं है और यहाँ पे 3 मैचेस में 4 विकेट लेकर के जा रहे हैं, तो दोस्तों चांसेस रहेंगे विकेट के। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आपको करना है, वॉली स्टोन को अपने टीम में जरूर रख लेना है। एंड उसके बाद यहाँ पे पी डॉली की बात करते हैं, देखिए 3 मैचेस में 1 ही विकेट है, तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, ज़्यादा टीम के साथ जाते हैं तभी आप इनको ट्राई करें, अदरवाइज आप ड्रॉप करें। एस एडी को ना ही यहाँ पे देखते हैं, इन्होंने रिसेंटली प्लेइंग में शामिल नहीं हुए, एंड परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ना ही इनको बैटिंग मिलती है ना ही बॉलिंग, तो आप इनको भी ड्रॉप कर सकते हैं। एस कुक की बात करते हैं दोस्तों, 2 मैच इन्होंने रिसेंटली खेले, कोई विकेट इनको नहीं मिली है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे परफॉर्मेंस, आपने देखिए कि इनका रिसेंटली परफॉर्मेंस कैसा है, और सारे मैचेस तो आपको पता है कि एक ही राउंड में हो रहा है, तो उसमें वेन्यू रिकॉर्ड देखने की कोई जरूरत नहीं है। अभी टीम का जो है हेड टू हेड रिकॉर्ड्स एक भी मैच नहीं हुआ है, अदरवाइज होता है तो मैं आपको अपडेट देता ही रहता हूँ यार, नेक्स्ट वीडियोज जो रहेंगी उनमें मैं आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड्स भी आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, बट ग्राउंड का क्या है, सेम ग्राउंड में हो रहा है, सारे के सारे मैचेस एक ग्राउंड में हो रहा है, तो उसमें क्या ही बताना। ठीक है, अब बात करते हैं दो टीम रहेंगी मेरी, ये परफॉर्मेंस देख करके वो मैं आपको शो कराता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल मेरी पहली टीम रहेगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन जो कि मैंने सजेस्ट करे थे आपको। ठीक है, निकोलस पुरन, टॉम कलर, क्रोमेट, डेविड मिलर, जेसन राय, कार्लोस बेथरूड, सिकंदर रज्जो, जेम्स फिलर, ओडेन स्मिथ को आप यहाँ पे रख सकते हैं, कब आपको रखना है वो मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, एंड ओली स्टोन को, टॉम हिल को, जोस रिडी को अपने टीम में आप रख लीजिए। दूसरी टीम अगर हम बात करते हैं दोस्तों, दूसरी टीम मेरी ये रहने वाली है, एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने क्या कहा था, एंडरसन को आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ओडेन स्मिथ को क्या है कि आपने देखा है कि बैटिंग नहीं मिली थी रिसेंटली, ना ही बॉलिंग मिली थी, स्पेल के ओवर नहीं मिले, तो क्या करना है, एंडरसन को आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अभी एंडरसन को रिसेंटली स्पेल के ओवर मिल गए थे, विकेट भी मिली एक, एंड बैटिंग भी मिल गई थी, तो एक मैचेस में आप क्या करते हैं, दो टीम से जाते हैं, तो आप यहाँ पे ओडेंस को ड्रॉप कर सकते हैं। दूसरी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन आप यहाँ मेरे देख सकते हैं, क्योंकि बैटिंग भी मिल सकती है, या तो आप यहाँ पे सिकंदर रज्जो के साथ भी कैप्टन वाइस कैप्टन का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, तीन प्लेयर को मतलब बना सकते हैं दोस्तों। जोस रिडी को मैं बताऊंगा वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर कि किसके साथ हमें कॉम्बिनेशन करना है, क्योंकि मैं 3 से 4 टीम आपको प्रोवाइड करता हूँ, T10 की हो, चाहे T20 की हो, चाहे ODI की हो। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में, दो जगह में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री टीम आपको वहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ, एंड जो मेरे अपडेट होते हैं, कुछ चेंजमेंट होता है प्लेयर्स का वो मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, एंड कुछ प्लेइंग में चेंजमेंट होता है वो भी मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। वैसे तो ये 2 टीम रहेंगी मेरी जो कि इस मैच में मैं जा सकता हूँ, अगर 2 टीम से आप जाते हैं तो इस प्रकार की टीम से जा सकते हैं आप। ठीक है, बाकी स्टेट्स मैंने बता ही दिए, और होप कि आपको वीडियोस पसंद आए, लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबा लें दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत।